अडवाणी ने प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री ने अडवाणी को किनारे कर दिया, तो अगर अडवाणी का सगा न हुआ तो देश का सगा क्या हुआ? जो शिवपाल रोल कर रहे थे वो रोल तो पार्टी तोड़ने का कर रहे थे। शिवपाल बहुत दिनों से साजिश कर रहे थे अखिलेश को हटाने की, कोई मुख्यमंत्री नहीं। मायावती के साथ एक बार जिंदगी में गया, वो मेरी भूल थी, मैं उस भूल को छुपा। इस वक्त मैं खड़ा हूं हरदोई में, जो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक नरेश अग्रवाल जी का घर भी है। आज उनके साथ हम दिन भर रहेंगे और जानेंगे कि वो आखिर कैसे चुनाव प्रचार करते हैं। चीनी शुरुआत होती है सुबह की नरेश अग्रवाल जी के घर पे सुबह अखबार और चाय के साथ। नरेश जी, इसी तरह से रोज आपका व्यस्ततम कुछ लग रहा बिगड़ गया है शेड्यूल आपका? थोड़ा बहुत तो चुनाव में अंतर हो ही जाता है। वैसे तो मैं 10-10:30 तक सो जाता हूँ, लेकिन आजकल 10 बजे तो कॉर्नर मीटिंग ही खत्म होती है। इसके बाद उनसे लोगों से बात करना, घर पे लोगों के सुनना, 11-12 बजे जाते हैं और खाना खा के सोने में 1 से पहले कभी नहीं बचता। इन सब अखबारों में क्या आपको लगता है जो आप बोलते हैं वही छपता है कि कुछ और छप जाता है? विरोधियों का खोजते क्या अखबारों में? पहली निगाह आपकी क्या रहती है कि क्या खबर होनी चाहिए? मैं तो मेन हेडलाइन लोगों की पढ़ लेता हूँ, क्या और नेताओं ने कहा, क्या रियलिटी है। परिवार के लोगों से मिल पा रहे हैं इस समय? नहीं, इस समय परिवार के लोगों से कहाँ बात हो पाती है। वैसे भी बच्चे छोटे जो हैं, पोते पोती, वो लखनऊ पढ़ रहे हैं तो वो आएंगे। हम लोग तो हरदोई में चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत देर तक आप फोन पे उनसे बात करते रहते हैं, तो होता है कभी रिटेशन की नहीं? कल के होता है बहुत। शाम आम को जो बड़ा आदमी फिर वही बातें दोहराता है। हाँ। और इस चुनाव में जो चुगलखोरी करता है कि साहब आपका फला टूट रहा है, फला गद्दारी कर रहा है, ये कर रहा है, जो आ रहा कान में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहा है, इस पे इरिटेशन होने लगा। अभी जो माहौल है पूरे, क्योंकि प्रदेश में आप जा रहे हैं, पार्टी ने आपको स्टार प्रचारक बना रखा है, अलग अलग जगहों से जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार रुख कुछ बदला है? क्या किस तरह के लोगों में अवेयरनेस है, जागरूकता है? देखिए, वैसे तो चुनाव बहुत खुला नहीं है, लेकिन दो चीजें पक्ष में हमें देखने को मिली। एक तो नौजवानों को झुकाव अखिलेश के पक्ष में, दूसरा माइनॉरिटी और व्यापारी, माइनॉरिटी का ज्यादा, व्यापारी भी बहुत हद तक नोटबंदी के खिलाफ खड़ा हुआ। कपड़ों की बड़ी चर्चा होती है कि आप बड़ा डिजाइनर कपड़ा पहनते हैं, राज्यसभा में भी जैकेट से निकालते हैं आप, तो अब जो इन जब चुनाव में जाते हैं तो कोई डिजाइन करके जाते हैं कोई कपड़े की, आज बड़ी रैली, आज अच्छा पहनेंगे, आज नीला पहनेंगे, पीला पहनेंगे, दिन के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से। कहते हैं कि जो कि नरेश जी ग्रहों और पूजा पाठ समय का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे आपने हाथ में बांध रखा कलावा और ये अंगूठी भी पहनते हैं कि बहुत पूजा पाठ बड़ उससे चलते हैं, तो ड्रेस वगैरह उसमें इस समय वो सब चल रहा है कि नहीं चल पा रहा है? ये अच्छी ड्रेस पहनना हमारा एक शौक है। अब लोग उसको कहते हैं नरेश पार्लियामेंट में वेल ड्रेस चाहते हैं। हाँ। वो वेल ड्रेस चाहना हमारा कर्तव्य है। हम प्रधानमंत्री जी के बहुत छोटे भाई नहीं है। हाँ। जितना ड्रेस प्रधानमंत्री देखते हैं, दिन में 7 बार कपड़े बदलते हैं, हम तो ये जो पहन लेते हैं शाम तो पहनने देते हैं, लेकिन है अच्छे कपड़े, अच्छे डिजाइनर कपड़े सिलवाते हैं, पहन जाते हैं, लोगों को लगता है नरेश बिल्डर सब पाए हैं। पूजा हमारे जीवन का अंग है, मैं रोज उसको करता हूँ, प्रतिदिन हिंदू हूँ, हमारे पूजा करता हूँ। खाली पूजा इस हमारे नहीं करता हूँ कि ये मुझको मिल जाए, ये मुझको मिल जाए। जी, जिसे लोग कहते हैं कि नरेश बिद्दास है, बोलने में भी बहुत चीज छुपाते नहीं है, अपने उनका जीवन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे पर्दे के आगे है, तो लोग आके आपसे कहते होंगे कि नरेश जी आप ये कर रहे थे, वो कह रहे थे, ये हो रहा है, ऐसा है, वैसा है, जो आपके ऊपर लोग आरोप लगा देते होंगे, नरेश जी आपके ऊपर ही आरोप लग रहे हैं, तो मुझे अच्छा ही है, मैंने हर चीज खुली रखी है। जब खुली रखो तो आरोप नहीं लगते, चीजों को छुपाओ तो आरोप लगते हैं। मेरी किताब खुली हरदोई की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने, आचार संहिता है, बड़ा बिंदास होकर नहीं बोल पा रहा, नहीं और बिंदास होकर मैं बोलूं, तो मेरे लिए कोई कमेंट कर दे, नरेश ये करते हैं, वो करते हैं,
कोई स्वीकार नहीं करते, तो आप जबरदस्ती की पब्लिक में भी जाएंगे तो आप देखिएगा कि इतना लंबा टिनोर होने के बावजूद भी आम जनता में कितना लगाव हमारे प्रति, ये आपको देखने को मिलेगा। वो न मोदी को जानता है, न राहुल को जानता है, हरदोई में सिर्फ नरेश को जानता है, उसके अलावा तीसरे को नहीं है। अब रिक्शे वाले से पूछ लीजिएगा, अब तांगे वाले से पूछ लीजिए, अब चाय वाले से पूछ लीजिएगा, वो एक ही नाम जानता है, वो नाम नरेश। तो ये है उपलब्धि, आप इसको मानते हैं कि ये उपलब्धि? 38 साल लगातार होने के बाद भी आज ये उपलब्धि है, लोगों के मन में एक छवि हमारी बनी हुई है, एक विश्वास लोगों के मन में है कि नरेश भैया जब तक है हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नाश्ते वास्ते का बहुत हल्का करते हैं, हमारा खाना आप देख लें तो लोग कहेंगे नरेश खाते ही क्या है, जो जो उम्र बढ़ रही खाना कम हो रहा है। चलिए नरेश जी, आज दिन भर आपके साथ रहना है, आपसे बातचीत हुई है, अलग अलग पहलुओं को देखेंगे, जनता को बताएंगे कि आखिर जो स्टार प्रचारक नरेश अग्रवाल जो दिन भर सदन से लेकर सड़क तक उनकी आवाज उठाते हैं, वो किस तरह उनकी दिनचर्या क्या है, कैसे वो रहते हैं, आखिर आम आदमी उनके अंदर कहाँ छिपा हुआ है। इस वक्त हम खड़े हैं समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक नरेश अग्रवाल जी के घर पे, और ये आलम आप देखिए, आप लोग ये रोज आ जाते हैं इनके पास सुबह सुबह? डेली हम लोग रोज प्रतिदिन, अगर भैया के पैर न छुए तो हमारी दिनचर्या नहीं शुरू होती। क्या ऐसा क्या है नरेश अग्रवाल जी में जो आप लोगों को यहाँ खींच जाता है? हम लोगों के लिए काम करते हैं, वो हम लोगों के लिए काम करते हैं, हरदोई का उन्होंने विकास किया है। किसी समस्या के कारण आते हैं कि प्रचार के लिए आते हैं? लोग अपनी समस्याएं भी लेके आते हैं यहाँ पे? समस्याएं भी लेके आते हैं और समस्याओं का निदान भी यहाँ पर होता है, और यहाँ पर हमारे नरेश जी पूरी हरदोई को इस तरीके से एक परिवार की तरीके से लेके साथ में चलते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी हर आदमी को अपना ही परिवार समझते हैं। आप यहाँ पे दिन भर चाय पिलाते हो लोगों को? जी दिन भर पिलाते। कितनी चाय पिला देते होगे लोगों को? कम से कम 1200-1300। 1200-1300 चाय आप पिला देते हैं सुबह से शाम तक इनके घर पे? जी। ये सुबह शुरू होता देर रात तक क्रम चलता रहता जी, है 8 बजे तक। जी देखिए इन्होंने जैकेट पहन रखी है साइकिल वाली, ये चुनाव चिन्ह वाली आपने जैकेट ही पहन लिया जी, इससे क्या फर्क पड़ जाता है जो आप लगाते हैं? दिखाते हैं मैम नजरती है साइकिल पे है, पीछे लोगो लगा हुआ मान्य यादव जी का, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हम लोग कहाँ पे हैं नरेश जी के साथ में। पूरा हरदोई नरेश भैया के साथ है और नितिन भैया के साथ है, साइकिल की पूरा लहर है और पूरे प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। जी के नाम का मचा हुआ है शोर, साइकिल बहुत अच्छी रफ्तार से चल रही है और सभी सीटें जीतेगी। नरेश जी रोज निकलते हैं अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी के साथ, ये तो समर्थकों की ज्यादा ही जोश समर्थकों में आ जाता है। ओके नरेश अग्रवाल चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं, आज हम उनके साथ दिन भर रहेंगे, चलिए हम उनसे इंतजार करें। चुनावी जनसभाओं, चुनावी जनसंपर्क और चुनावी रैलियों में कई रंग देखने को मिलते हैं, और एक रंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोग अपनी निष्ठा दिखाने के लिए अपने टी शर्ट पहन रखा है, बाकायदा आपने टी शर्ट पहन रखी है, नाम ले रखा है, स्टिकर लगा रखे, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, उन युवाओं अखिलेश यादव जी ने हम युवाओं के लिए काफी अच्छा काम दिया है, किया है, इंटर पास युवाओं को लैपटॉप दिया है, हमारी बहनों को 30,000 रुपए का काम किया है, लखनऊ में मेट्रो कम समय में बनाई है, इसीलिए हम अपने नेता के साथ। ठीक है ठीक है, आप लोगों ने सब पेंट करा रखा, आप पूरा शरीर में देखा है, आपने नरेश अग्रवाल लिख रखा, नरेश अग्रवाल के साथ ऐसा क्या अटैचमेंट आपका है? जी हम लोग नरेश अग्रवाल, नरेश अग्रवाल हमारे नेता नहीं है, शान है हमको अग्रवाल ने, जो हम लोगों को इज्जत और सम्मान दिया है वो नेता कोई नहीं दे सकता, हम लोगों को हर चीज में, हरदोई को हर चीज में डेवलप किया है नरेश अग्रवाल ने, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं नरेश अग्रवाल ऐसा नेता, नरेश अग्रवाल जैसा नेता हरदोई में नहीं है, इसलिए हम लोग नरेश के लिए जीने मरने के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। थैंक यू। तो ये तमाम वो लोग हैं जो अलग ढंग से अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ और अपने समर्थन के लिए नारे दे रहे हैं। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी।
भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी हटाएंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे, महंगाई समाप्त करेंगे, आतंकवाद नाम की चीज नहीं रहेगी, मंदिर हम बनवा देंगे और मोदी बैठ जाएगा तो भगवान राम स्वयं चले जाएंगे। जो मोदी अडवाणी जी का सगा न हुआ वो मोदी किसी का सगा नहीं हो सकता। मैंने पार्लियामेंट की स्पीच में मोदी को ललकारा था, हरदोई के लोगों तुम्हारा सीना चौड़ा हुआ होगा, तुम्हारा माथा ऊंचा हुआ होगा। मैंने नोटबंदी में मोदी से कहा था कि मोदी जी अगर तुम्हें भय लगता है तो अखिलेश जी की सरकार की उत्तर प्रदेश में चले आओ, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। हो सकता है तुम गुजरात में डरते हो, महाराष्ट्र में डरते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में आ जाओ, कोई डरने की बात नहीं। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। सुबह से चुनाव प्रचार में नरेश जी के साथ निकले हैं, करीब करीब शाम हो आई है। नरेश जी शाम हो आई है फिर भी आप जज्बे से लोगों से मिलते जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, इश्यूज उठा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है चुनाव में? नहीं, ये तो ठीक है, चुनाव में मेहनत जरूर करनी पड़ती है, लेकिन जनसंपर्क भी कितना ज्यादा बढ़ता है। और हम नेता का अगर कोई भी जीवन का अंग है, हमारा कोई परिवार है, तो देश की जनता है, समाज है, और जो ये हमको मिलता है उतनी हमारी थकान दूर होती चली। आपको लगता है कोई थकान नहीं लगती जब आप नेताजी के साथ काम करते हैं, इन लोगों के साथ? सच बात बताएं कि आपसे हम लोग ऊर्जा पाते हैं, जो माननीय नरेश अग्रवाल जी की ऊर्जा है वो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करती है। माननीय अखिलेश जी के साथ मुख्य धारा में व्यापारी आ रहा है, नोटबंदी से व्यापारी बहुत परेशान है। इश्यू आप उठा रहे हैं, तालियां मिल जा रही, वोट बैंक में बनेगा, तब्दील होगा वो? क्यों नहीं, क्योंकि जनता जो है अखिलेश जी के कामों को देख के अखिलेश जी को वोट करेगी। समाजवादी में महिलाएं बहुत आगे हैं, वो आना चाहती हैं, वो क्यों आज की उसमें देखी थी भी महिलाओं की, वो अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री जी के जो काम है, कारनामे हैं, उन्होंने जो दिया है एम्बुलेंस की सेवा दी है जिसे महिलाओं को। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या, मैं अगर आपसे दो चीजें पूछूं कि सबसे महत्वपूर्ण दो महिलाओं के लिए उन्होंने अखिलेश ने क्या किया है? सबसे पहले तो 102 जो एम्बुलेंस दी है सेवा, उसमें महिलाओं की मृत्यु होने से बचती है, उन्हें सबसे पहले उन्हीं का सबसे वही सुविधा सबसे अच्छी है। दूसरी जो घोषणा में दी है उससे महिलाएं बहुत आगे आई हैं। घोषणा में दिया है उन्होंने कि यदि मेरी सरकार आती है तो जितनी भी लड़की बहुएं औरतें हैं उन्हें बस में किराया में कम कर देने से क्या फायदा होगा? क्यों नहीं फायदा होगा? शिक्षा आप देने रहे हैं, नौकरी आप देने रहे हैं, महिलाओं नौकरी के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बसों में छूट देने से फायदा क्या होगा? क्या नहीं, शिक्षा के बारे में तो यहाँ तक कि मुलायम सिंह ने दिया था इससे पहले कि अगर लड़की पढ़ के इंटर पास करती है तो उसको 20 शादी में उसको 20,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और वैसे दूसरी पार्टियां भी तो कहती हैं कि महिलाओं के लिए हम करेंगे, मायावती करती है, क्या किया बताइए? बीजेपी कहती है कि सारे महिला सशक्तिकरण वही कर रही है, क्या किया? जीरो से बैलेंस खुलवा दिया, अगर 10-20 रुपए डाले भी दिए तो कहते हैं अब उसमें पैन कार्ड लाओ, क्या करें महिलाएं? नरेश जी इतनी भीड़ क्राउड, देर रात तक अभी आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपको लग रहा कुछ रुख मिल पा रहा है? आज तो खुल गया रुख है, तो एकदम चुनाव खुला हुआ है, हम तो अंतिम औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। जब आदमी का वोट देने का मन होता है तो वो कहता कि नहीं हमारे घर 2 मिनट बोलो, मैं समझ जाता हूँ क्यों बुला रहा है। आदमी बुला रहा है इसका मतलब उसका मन वोट देने का है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ सिर्फ औपचारिकता निभाने। और चुनाव पूरा पूरा खुल गया है, हरदोई में समाजवादी पार्टी पूर्णता विजय होगी। तो जिस तरह अखिलेश जी ने तमाम मुद्दे उठाए, उन्होंने कहा कि नरेश जी ने हमारी पार्टी बचाई, हमारा सिंबल जब होने जा रहा था किसी नए सिंबल पर हम चुनाव लड़ते तो क्या होगा, तो जब ऐसी स्थिति आ रही थी क्या आप ऐसी स्थिति के लिए तैयार थे नरेश जी कि मान लीजिए कोई नया सिंबल मिल जाए, कोई नया चीजें हो जाए, वो सिंबल जब्त हो जाए जिस पे आपने प्रचार के गाने तक बना लिए हैं, तो आप फाइट कर जाएंगे? हर परिस्थिति के लिए तैयार थे। सुबह से आज हमने दिन भर नरेश अग्रवाल के साथ उनका प्रचार देखा, कई रैलियां देखी, जनसंपर्क देखे, गांव में उनकी जनसभाएं देखी, अब चलते उनके घर में देखते हैं कि आखिर जब लौट के आते हैं तो आखिर वो क्या करते हैं। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। 10 बजे हैं, अब अपने घर लौटे हुए हैं, थक गए होंगे नरेश जी, सुबह से शाम तक दौड़े होंगे, थकान तो लगी रही होगी। देखिए जब जनता का स्नेह होता है, हाँ, जनता साथ खड़ी होती खुल जाती है जब, तो थकान अपने आप से, नेता की तो डाइट जनता है, नेता की तो जनता है, जब जनता नेता को मिलती है तो थकान नहीं आती है।
हम लोग तो आदि हो गए हैं इसका। अब आपको क्या लग रहा है कि जो आप लोग सोच रहे थे, जो मुद्दे उठा रहे थे, डेवलपमेंट का मुद्दा हो चाहे जो मुद्दे हो, वो वास्तव में कारगर हो पा रहे हैं कि नहीं? जिस तरह छोटे रूप में अटैक करने पे आ गए हैं, व्यक्तिगत अब अटैक शुरू कर दिया है, उससे भी लग रहा हड़बड़ाहट वास्तविक वो है। तो भाजपा जानती है चुनाव हारने के बाद 2019 में संभालना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के साथ अगर आपकी बात करें तो कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं कटघरे में नहीं खड़ा होता? जिस कांग्रेस, जो कांग्रेस नारा देती थी 27 साल यूपी में, हाल आप कहते थे कि देश की बर्बादी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, देश की तबाही के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, फिर आप हाथ मिला ले तो लोग कहेंगे तो जरूर कि साहब ये गठबंधन तो मौका परस्त है। ये पहली बार नहीं हुआ है, जो बीजेपी बसपा को पीपी के गाली देती थी, वो बीजेपी ने 3 बार उत्तर प्रदेश में बसपा से सरकार बनाई, और कहीं अगर हंगामा आएगी तो बीजेपी बसपा को फिर सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कश्मीर में जो बीजेपी हिंदुवाद की बात करती थी, उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद से हाथ मिलाया और उनके साथ सरकार बनाई। तो ये आज पहली बार नहीं हुआ है, हम दोनों सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं। है ना आपको भी कि साहब वोट बैंक बढ़ जाएगा, मुसलमान वोट बढ़ जाएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे? ऐसे नहीं, मुसलमान की हरदम संपत्ति राज्य के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ हुई। हमने तो कांग्रेस से गठबंधन 2019 की लड़ाई के लिए किया है। 2017 तक हम जीत ही रहे थे, हमने बड़ा दिल दिखाया, कांग्रेस को 105 सीटें दी, लेकिन हमारा गठबंधन 2019 का चुनाव है, केंद्र पे हमारी निगाह है, उसको देख के हम चुनाव लड़ रहे हैं। 12 ऐसे जगह हैं जहां पे आपके कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लगता तो है ना कि ये बेमेल गठबंधन था, आपाधापी में गठबंधन हो गया, किसी तरह जान बच जाए। देखिए जल्दी जल्दी में हुआ बात सही है, आज कांग्रेस ने 4 जगह सीटों पर अपने प्रत्याशी वापस लिए हैं, धीरे धीरे अभी भी गुत्थी सुलझ जाएगी, हो सकता है 1-2 जगह रह जाने में काफी सुलझ जाएगी, और जब गठबंधन होता है तो थोड़ा नीचे का कार्यकर्ता नाराज होता है। मुलायम सिंह को आप लोगों ने हाशिए पे कर दिया, नारा लगता था जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, वो तो खत्म हो गया, मुलायम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं सीन में ही नहीं है वो। देखिए हर एक को समझ लेना चाहिए कि स्टेज के बाद दूसरे का भी युग आता है। हिंदुस्तान में 55% नौजवान है, अगर अखिलेश का युग आ रहा है तो नेताजी को तो वैसे खुश रहना चाहिए, नेताजी के ही परिवार का नाम आगे बढ़ेगा। कुछ लोगों ने नेताजी को गुमराह किया और कहीं ना कहीं थोड़ा नेताजी हिले लीग से, लेकिन बाद में नेताजी सौत आ गए। हम लोग तो कहते हैं हमारे संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, नेताजी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है, हमने कहीं उपेक्षा नेताजी की नहीं करी है, तो ये सब तो हमने किया है, तो नेताजी के बारे में ये प्रचार करना गलत है। और आज वो चाह रहे हैं लेकिन आप लोग उनको आगे बढ़ने का दे रहे हैं। उम्र का पड़ाव भी है, उम्र भी हो गई है। नरेश जी वो इटावा में रैली कर सकते हैं, ताखा में रैली कर सकते हैं, जसवंत नगर में रैली कर सकते हैं, हरदोई में नहीं कर सकते, लखनऊ में नहीं कर सकते? करेंगे, वो आगे भी करेंगे, उनका हम रैली करेंगे, हम जाएंगे प्रदेश में, अखिलेश के पक्ष में जाएंगे, सरकार फिर से बनवाएंगे, उन्होंने कब मना किया तो कहते हम जाएंगे। अच्छा जो सूची बनी 4 प्रचारकों की, उसमें तमाम ऐसे थे जो जिनका समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा योगदान नहीं रहा, लेकिन शिवपाल यादव का नाम गायब होना आपको भी बुरा लगा, आपको खरा? नहीं, हमको बिल्कुल नहीं खरा। जो शिवपाल रोल कर रहे थे वो रोल तो पार्टी तोड़ने का कर रहे थे। शिवपाल बहुत दिनों से साजिश कर रहे थे अखिलेश को हटाने की, खुद मुख्यमंत्री बनने की, उसमें अमर सिंह जी उनका साथ दे रहे थे। तो जब तुम साजिश करोगे तो ये बहुत हो गई, और मुझे लगता है शिवपाल भाई इस समय हताश हैं, निराश हैं, भविष्य उनको कहीं नहीं दिख रहा है, उनके सामने राजनीतिक जीवन का संकट खड़ा हो गया, तो उनके कर्मों का फल है उनके सामने। जो पार्टी में अखिलेश यादव सिर्फ 2 लोगों के सुनते हैं, नरेश अग्रवाल के सुनते हैं, रामगोपाल जी के सुनते हैं, क्योंकि जो जिसके साथ रहता है आदमी उसकी सुनता है। हम अगर अखिलेश को आगे बढ़ा रहे हैं तो शिवपाल को खुश होना चाहिए, उनका भतीजा है, उनको क्यों जलन हो रही है, क्यों इस तरीके की बात कर रहे हैं, हम पार्टी बनाएंगे, लड़ेंगे साइकिल सिंबल पे, कैसे पार्टी बना लोगे? तुम पार्टी बनाओगे तो तुम्हारा तो चुनाव खत्म समाप्ति हो जाएगा, तुम कैसे रह सकते हो, दल बदल में आ जाओगे? तो हड़बड़ाहट की जो बातें कर रहे हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। नहीं तो शिवपाल का एक पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, उनका एक जनाधार है, तो नुकसान तो आपको हो रहा है इसका मतलब शिवपाल से? शिवपाल को जो कुछ ताकत थी मुलायम सिंह की थी, अखिलेश की थी, अगर उसमें किसी को गलत फहमी हो जाएगी हम नेता है हमारी बदौलत चल रहा है, तो गलत फहमी तो दूर हो गई। जिस समय हम लोगों ने पार्टी में अखिलेश को अध्यक्ष चुना, 99% लोग अखिलेश के पक्ष में खड़े हो गए, तब कहां शिवपाल का समर्थन चला गया?
वो समर्थन तो मंत्री पद का था, वो समर्थन परिवार का था, मुलायम सिंह के छोटे भाई थे इस बारे में उनका समर्थन था, उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि उनका व्यक्तिगत समर्थन है, गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन नरेश जी, जैसे आप जनसभाओं में जा रहे थे, आप तमाम चीजें हला जिक्र कर रहे थे, डेवलपमेंट का इशू उठा रहे थे, लेकिन लोग तो कहते हैं कि जब आप कोई जो बेटा बाप का नहीं हुआ, जो लोग अपनी पार्टी को तोड़ दिए, जो मुलायम को किनारे कर दिए, प्रदेश के क्या होंगे? देखिए, ये सब बातें नहीं होती। जो जनता अखिलेश के साथ है, जिस अखिलेश ने पिछली बार पार्टी को जिताया, दिन रात मेहनत करी, नौजवानों का युग है, अगर लोग अखिलेश के साथ हैं, आम जनता के जवान पर अखिलेश यादव नाम है, लोग उसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, फिर इस तरीके के आरोप क्या होगा? ऐसे तो प्रधानमंत्री भी थे, जिस मोदी जिस आडवाणी ने प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री ने आडवाणी को किनारे कर दिया, तो अगर आडवाणी का सगा न हुआ तो देश का सगा क्या हुआ? आरोप तो उनका भी आरोप था। तो ये कहीं थर्ड आपको रहता है कि बीजेपी बीएसपी फिर मिल सकते हैं, ये है आपको? कभी भी मिल सकते हैं, कोई वो है नहीं, संकोच नहीं है, तो स्वाभाविक गठबंधन है, तो क्या है? मायावती को मुख्यमंत्री पद चाहिए, उनके कोई नीति नहीं, उनका कोई घोषणा पत्र नहीं। दल बदलने का रिकॉर्ड है नरेश जी के पास, तो आपको लगता है कि जब लोग कहते होंगे कि नरेश जी आप तो दल छोड़ देते हैं, कभी भी निष्ठा बदल सकते हैं, कभी बहन जी के साथ हो जाते हैं, कभी साइकिल पे कांग्रेस पे हो जाते हैं, तो क्या लगता है आपको और ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप बार बार पार्टी बदलते हैं। आरोप है मैं रोड पार्टी नहीं बदलता हूँ, कांग्रेस में पैदा हुआ तो कांग्रेस में रहा, कांग्रेस ने मजबूरी में छुड़वाया मुझको। बाकी मैंने खुद कहा था कि मायावती के साथ एक बार जिंदगी में गया, वो मेरी भूल थी, मैं उस भूल को स्वीकार करता हूँ। कांग्रेस और सपा के आने से नरेश जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस को ज्यादा फायदा हो गया कि आपको? आपने कहा आपने सरेंडर किया, फायदे का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न लंबी लड़ाई का है। कि आपको ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी नया वोट बैंक बना रही है राहुल आने के बाद, MY इक्वेशन जो आपका बेसिक इक्वेशन होता था उससे आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, निश्चित उससे हम बाहर निकले हैं, आज वो वोटर हमको वोट दे रहा है जिसने कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था। अजीत सिंह को न लेना अब गठबंधन में भूल थी आपकी? अब उसको हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप चाहते थे कि हो जाए? मैं उस पर कोई टिप्पणी इस समय नहीं करना चाहता। सरकार बनाने के लिए सहयोग लेना पड़ेगा, ले लेंगे? सहयोग लेने में अजीत सिंह से कोई दिक्कत? ये दिन भर आज हमारे साथ थे, तो ये नरेश अग्रवाल जी थे जो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, पूरे प्रदेश में वैश्य समाज से लेकर के कई लोगों को जोड़ने का जिम्मा दिया गया है, जो दिन रात ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, जिनका दौरा चल रहा है। तो नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद दिन भर आपके साथ देने के लिए, आपने बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया खिलाड़ी।